Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So welcome class 6th in our maths class. So in today's class, I'm going to cover question number 2, book page number 15. Question number 2. Put commas in the following numbers according to Pakistani and international place value system. यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ नंबर्स या डिजिट्स दिए गए हैं जिनमें हमें पहले पाकिस्तानी वे में इनको कन्वर्ट करना है देन इंटरनेशनल वे में इनको कन्वर्ट करना है. सी डब्ल्यू कॉपी में क्वेश्चन लिखने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे. आप क्वेश्चन के बिल्कुल नीचे लिखेंगे आप सॉल्व, और इसके बाद आपको इसको पाकिस्तानी वे में या पाकिस्तानी नंबर्स में इसको कन्वर्ट करना है. तो पहले क्या करेंगे, इस नंबर को हम नीचे लिखेंगे इस तरह 1 1 3 4 5 6 7 8 9 0. ओके, सो नंबर लिखने के बाद हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे इसकी. तो पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू किस तरह हम लिखते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेक टेन लेक करोड़ टेन करोड़ अरब्स. ओके, तो अब हमें कॉमास लगाने हैं. तो हम किस तरह लगाएंगे, हंड्रेड के बाद यानी वंस टेंस हंड्रेड के बाद एक कॉमा, थाउजेंड टेन थाउजेंड के बाद कॉमा, लेक टेन लेक के बाद कॉमा, करोड़ टेन करोड़ के बाद कॉमा, एंड देन अरब्स. ओके, सिंपल वे में ये है कि एन के थ्री नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हमेशा पाकिस्तानी वे में हम दो दो नंबर्स के बाद कॉमा लगाते हैं या टू डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं. इसके बाद हमें करना है इंटरनेशनल वे में इस नंबर को. तो हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को यहाँ लिखेंगे लाइक दिस 1 1 3 4 5 6 7 8 9 0. सबसे पहले हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट जिस तरह हम लिखते थे प्रीवियस क्लासेस में, अब हम यहाँ सिंपल वे में यहाँ लिखेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन बिलियन. अब इंटरनेशनल वे में हम क्या करेंगे, लास्ट के थ्री नंबर्स के बाद कॉमा यानी वंस टेंस हंड्रेड के बाद कॉमा, थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड के बाद कॉमा, मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन के बाद कॉमा लगाएंगे. सिंपल वे में अगर मैं समझाऊँ तो पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में हम सेंटर के दो दो नंबर्स के बाद यानी पहले तीन नंबर के बाद और फिर दो दो नंबर के बाद हम कॉमा लगाते हैं, जबकि इंटरनेशनल में हम क्या करेंगे, पहले लास्ट के तीन नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर तीन नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे. इसी तरह हम तीन तीन नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे इंटरनेशनल में. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया सेम इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर बी भी करेंगे. पहले हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है सॉल्व. सॉल्व लिखने के बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. हम यहाँ लिखेंगे 3 0 4 0 5 6 7 6 5 4. अब यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लेक टेन लेक करोड़ टेन करोड़ अरब्स. ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड के बाद कॉमा, थाउजेंड टेन थाउजेंड के बाद कॉमा, लेक टेन लेक के बाद कॉमा, करोड़ टेन करोड़ के बाद कॉमा. सिमिलरली इंटरनेशनल में भी हम क्या करेंगे, पहले नंबर को नीचे लिखेंगे. अब इसी नंबर को हमें इंटरनेशनल वे में चेंज करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले इस नंबर को उतारेंगे
पहले की तरह 3040567654। अब यहाँ प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, बिलियन। सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद कॉमा, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड के बाद कॉमा, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन के बाद कॉमा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले, सिक्स सेवन फाइव ज़ीरो फाइव फोर फाइव थ्री फोर फाइव। अब क्या करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेक, टेन लेक, करोड़, टेन करोड़, अरब्स। सबसे पहले स्टार्ट के तीन नंबर्स के बाद कॉमा, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद कॉमा, थाउजेंड, टेन थाउजेंड के बाद कॉमा, लेक, टेन लेक के बाद कॉमा, करोड़, टेन करोड़ के बाद कॉमा। अब इसी तरह इसको इंटरनेशनल में करेंगे तो किस तरह होगा, सिक्स सेवन फाइव ज़ीरो फाइव फोर फाइव थ्री फोर फाइव। प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, बिलियन। वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड के बाद कॉमा, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन के बाद कॉमा। आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर टू समझ आ चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।